हम बात कर रहे हैं MTNL की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं कुछ दिनों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। नीचे 44 के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, जंप आ रहा है तो 52 के लेवल से स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। मतलब 52 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे की ओर 44 का सपोर्ट जो है इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन स्टॉक के अगर चार्ट पैटर्न को देखें दोस्तों तो लोअर लो देखने के लिए मिला था, अब इस रेंज में स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लेकिन सेलिंग प्रेशर अब भी स्टॉक पर बना हुआ है। 44 का सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन करता है तो 40 तक का फॉल MTNL दिखा सकता है, 38-40 तक की गिरावट दिखा सकता है। ऐसा डिस्कशन इससे पहले भी हमारा हुआ था। तो नीचे की ओर थोड़ा सा सावधान रहना है हमको फ्रेश एंट्री के लिए। इस वक्त जहां से स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है 52 एज का इमीडिएट टारगेट है, और इसी लेवल को अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है 52 के ऊपर, तो फिर यहां से स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा 56 का लेवल, और इस बाउंस बैक के साथ 60 तक का जम दिखा सकता है। 60 का लेवल जहां से दो दफ़ा रिजेक्शन फेस किया है इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। रिकवरी आती है तो यहां तक की रिकवरी फिर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन कंडीशन है 52 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन होना। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।